और यहाँ से कर दिया भाई हमने पीर बजरंग मंदिर की चढ़ाई हनुमान जी के दर्शन के लिए। गुरु जी राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम। यहाँ ना ये छोटे छोटे घर भी बनाते हैं, यहाँ की मान्यता है, प्रथा है। और दोस्तों ये देखो भाई, यहाँ जगह जगह वहाँ से एंट्री की थी, वहाँ भी भंडारा लगा हुआ था और ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं सभी को। ये देखो दोस्तों, पूरी वानर सेना तैनात है यहाँ पे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भगत जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो बताओ थोड़ा सा यहाँ मतलब क्या इतिहास है धाम का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन द सोनू लव। आप देख रहे हैं सोनू लव और मैं आपका अपना दोस्त सोनू। और भाई आज आपने वैसे तो देख ही लिया होगा थंबनेल में कहाँ जा रहे हैं, फिर भी बता देते हैं, हम जा रहे हैं सामोद चम्मू जो बालाजी का धाम है। और मैं जा रहा हूँ वहाँ फर्स्ट टाइम, और जा रहे हैं वाया ट्रेन, और साथ में है हमारे गुरुजी, इनके साथ हम जा रहे हैं। और साथ में प्रदीप भाई हैं और एक नवीन भाई है जो ट्रेन के अंदर हैं, और गुरुजी हमें लेके जा रहे हैं वहाँ दर्शन करवाएंगे। और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, और बहुत कम लोगों को वहाँ धाम का पता है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए ट्रेन अभी चलने वाली। और ये है दोस्तों हमारी कोटा हिसार एक्सप्रेस, इसी ट्रेन से हम जाएँगे अभी, और शाम के लगभग 6:15 हो गए हैं और ये 5:50 पे इसका टाइम है, और इसी में जाएंगे। सिचुएशन है और ये साथ वाली गाड़ी जा रही है अभी, और अभी ये हमें उतारेगी सामो चम्मू, डायरेक्ट कोटा जाएगी। रिंगस से तीसरा चौथा स्टेशन है, लेकिन रिंगस से अगला स्टेशन ये है इस ट्रेन का। बीच में ये जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय जय सियाराम। चल पड़ी है भाई अपनी, और अभी यहाँ से जाएगी डायरेक्ट वैसे तो कोटा, तो रस्ते में हम बालाजी के धाम सामो चम्मू वहाँ उतर जाएंगे। और हिसार रेलवे स्टेशन, हिसार जंक्शन को थोड़े दिन के लिए कहते हैं बाय बाय, एक दिन दो रात के लिए, और मिलते हैं आपको सामोन चब्बू स्टेशन पर। और ये देखिए स्टेशन का नज़ारा, चल बड़ी भाई अपनी एक्सप्रेस। फाइनली हम पहुंच गए हैं चोमू सामोद बालाजी धाम, और ट्रेन से उतर गए हैं भाई। लगभग टाइम हो गया है 11:50 और 12 बजने वाले हैं, और ट्रेन हमारी अब जा रही है। अगला स्टेशन इसका जयपुर है, और प्रदीप भाई है साथ में, एक मिस्टर नवीन है हमारे साथ, और गुरु जी हैं हमारे, और पंडित जी हैं वो बाहर हैं अभी, बाहर देख रहे हैं थोड़ा रुकने का या वहाँ पहुँचने का, यहाँ से हमें लेना पड़ेगा कोई व्हीकल तब वहाँ पहुँच पाएंगे, थोड़ा दूर है यहाँ से। तो मिलते हैं चोमू धाम पे, अभी रात के 11:50 बताया आपको, और ट्रेन ने पकड़ ली अपनी रफ्तार। तो बालाजी का जयकारा लगा था भाई, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो मिलते हैं गाइस बालाजी के द्वारे के लिए। हेलो गाइस, जय सिया राम भाई। सुबह के बज गए हैं 6:15, और अभी रात को कोई व्हीकल मिला नहीं, तो यहीं थे हम स्टेशन पे, आसपास में कोई स्टे करने के लिए होटल वगैरह भी नहीं दिखा, ना कोई धर्मशाला थी यहाँ। तो ये सामोद चोमू सामोद स्टेशन से अब जा रहे हैं बाबा जी की पहाड़ी पे दर्शन करने हनुमान जी के। तो अभी आया है ऑटो, ऑटो से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सभी, भगत जी और गुरु जी, प्रदीप और शर्मा जी और नवीन हमारे साथ है। तो चलिए चलते हैं बाबा जी के दर्शन करवाते हैं आपको भी, और हम भी करते हैं, और पहाड़ियों पे भाई फुल मजा आने वाला है, फुल इंजॉय। चलिए लेट्स गो।
ये आगे भाई हम बाबा के द्वारे, और ये सामने आप देख लो भाई ये सीढ़ियां हैं जहाँ से हमें चढ़ाई करनी है। अब सीढ़ियों से करेंगे या रैंप से करेंगे वो देखेंगे। और ये लगभग 1100 सीढ़ियां हैं बाबा जी के द्वारे पहुँचने की, और पहाड़ों के बीचों बीच है। कितना शानदार नज़ारा है, आप आएंगे बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत मन शांति मिलने वाली है। और ये है भाई जिस धर्मशाला में हम रुकेंगे, श्री वीर हनुमान धर्मशाला, और बिल्कुल पास में है। इधर का व्यू दिखाता हूँ, ये बिल्कुल पास में जहाँ से चढ़ाई शुरू करनी है, और बिल्कुल पास में धर्मशाला, बिल्कुल सस्ती है। सभी धर्मशालाओं की बुकिंग दिनांक से 25 दिन पहले की जाए। भाई ये फ़ोन नंबर है, कोई आता है तो धर्मशाला का नंबर है, आप यहाँ फ़ोन करके भी बुकिंग करवा सकते हैं। और ये चार्ट लगा रखा है प्रोग्राम दिनांक का। और ये भाई पर्ची, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 200 रुपये में रूम मिल गया हमें, और आपको भी मिल जाएगा, कोई ऐसा चार्ज नहीं है इनका। जय सिया राम। हेलो गाइज, तो भाई मॉर्निंग में नहा धो लिए, धर्मशाला में रूम ले लिया था, यहाँ पहुँच गए थे हम लगभग 7 बजे, और अब नहा धो के निकल पड़े हैं बालाजी की चढ़ाई के लिए। तो यहाँ दोस्तों लगभग 2 रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों का और एक जो आसान रास्ता है ऐसे घुमावदार पहाड़ों के चारों तरफ घूम के जाना पड़ता है। तो पहले वही रास्ता देख रहे हैं, सीढ़ियाँ आते हुए लेंगे। और सीढ़ियाँ लगभग 1100 के लगभग सीढ़ियाँ हैं यहाँ, 1100 के लगभग की सीढ़ियों की चढ़ाई है। तो साथ में अपने गुरुजी हैं, नवीन हैं, शर्मा जी हैं, और मिस्टर प्रदीप हैं। और चलते हैं भाई, बजरंगबली का जयकारा लगा देना, वीर बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय, वीर बजरंगी। भंडारे लगे हुए हैं, और दोस्तों ये देखो भाई यहाँ जगह जगह वहाँ से एंट्री की थी, वहाँ भी भंडारा लगा हुआ था, और ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं सभी को। और ये भाई खा रहे हैं, और बहुत अच्छा। और यहाँ से कर दिया भाई हमने वीर बजरंगी मंदिर की चढ़ाई हनुमान जी के दर्शन के लिए। जय सियाराम, जय बजरंगबली, जय वीर हनुमान। और सबसे आगे हमारे गुरुजी, गुरुजी राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये देखो वहाँ सामने निकली हुई है धूप करारी, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ। और दोस्तों मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे, एक बजरंगी भक्त एक और क्यूट सा, और ये हमारे शर्मा जी। हेलो, जय सिया राम, जय राम। देख के जी, तो चलिए चलते हैं आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है भाई। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और देखिएगा हनुमान जी के दर्शन हमारे साथ साथ आप भी कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा अच्छा व्यू यहाँ हमें मिलेगा। जय। और ये भाई लंगूर महाराज जी, हनुमान जी की वानर सेना, चने खान लग रही है। जय सिया राम। और दोस्तों भाई चढ़ाई है पूरी, और यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये बनेगा रोड। और ये देखो भाई इतनी ऊपर आ गए, नीचे से देखो यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार। और अगर आप यहाँ आओगे बहुत आनंद मिलने वाला है आपको, सूर्य देवता इधर से निकले हैं। हाँ जी, पेड़ी से अगर दिखाते हैं ना। हाँ ये व्यू नहीं, हाँ ये बना बना बना। तो दोस्तों हमारे शर्मा जी भाई वानर सेना के साथ बैठ गए हैं, और ये वानर जी आराम से मूंगफली ग्रहण करते हुए। शर्मा जी पोज दे रहे हो क्या? इधर देख लो, फिर फोटो खींच दूंगा एक, इधर तो देख लो। जय बजरंगबली। ये भाई सारे भक्तगण कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, चने मूंगफली।
ये भाई छोटे छोटे क्यूट क्यूट वानर से ना। जय बजरंग बली। राम से राम से। फुल है भाई। और दोस्तों ये देखो भाई फुल वानर से ना। और यहाँ तो हमें भी थोड़ा बच के चलना होगा, नहीं तो कैमरे की तरफ झुक झपट लेंगे तो गया कैमरा। जय बजरंग बली। जय सिया राम। जय बजरंग बली। भाई यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, एक बार पोज कर रहा हूँ। गुरुजी आगे आगे हो लिए। गुरुजी ये सिस्टम है इनका भाई। स्टॉप कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों पूरी वानर सेना तैनात है यहाँ पे। जय सिया राम। चलो भाई ऊपर। ये शर्मा जी बहुत थक रहे हैं भाई, मिनट मिनट में बैठ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। और हमारे गुरु जी इंतजार करते हैं शर्मा जी की। जय सिया राम गुरु जी। जय बजरंग बली। चले जी आ जाओ। क्या कह रहे हो शर्मा जी? शर्मा जी तो आप ही हो, मजाक कर रहे हो दूसरे शर्मा जी। और ये भाई यहाँ रोड रोप की सुविधा जो भी रनिंग में नहीं है, साल एक चली थी ये, उसके बाद बंद कर दी गई थी क्योंकि इनके पास बताया जा रहा है परमिशन नहीं ली थी इन्होंने, तो ये ट्रॉली वगैरह बंद कर दी। तो गाइस ये देखो भाई पूरा व्यू यहाँ का कितना बढ़िया नज़ारा है। और उधर देख रहे होंगे आप दूर, ये देखो ये छोटे छोटे पहाड़ हैं और भी। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार जहाँ से हमने एंट्री ली थी। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई, आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा खुशनुमा एहसास होगा। सांस चढ़ गए भाई चढ़ते, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं बोला जा रहा। उधर से देखेंगे ये रास्ता आ रही है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ से चढ़ाई जो व्हीकल आते हैं शहर से, ये देखिए उधर से देखिए कितना प्यारा व्यू है। और ये मैं भाई आपको अपना भाई सोनू पसीने आ गया भाई, सर्दी में गर्मी का एहसास आ गया। बाबा बजरंग बली की धोक लगाने के लिए, बाबा बजरंग बली के दर्शन करने के लिए। और यहाँ काफ़ी एक अच्छा खुला वातावरण और शांति का माहौल है। आप आएंगे आपको पता लग जाएगा, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम में मेरे को बहुत एक सुकून और शांति सी महसूस हुई है क्योंकि मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना था, पहले भी आ जाता मैं तो गुरु जी हैं वो लेके आए थे। तो चलिए आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको। और ये भाई मिस्टर प्रदीप हमारे जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं बिल्कुल अपने मन ही मन में, जय सिया राम। और ये पंडित जी भाई यहाँ जल सेवा का सेवा कर रहे हैं, जल की पानी पीना हो किसी को थक के मैंने पी लिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय सिया राम। तो चलिए आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको। जय सिया राम। जय सिया राम। राम से। तो दोस्तों
भाई बहुत चढ़ाई है, इतनी भी नहीं है, लेकिन भाई सर्दी में गर्मी का एहसास आ गया। बाबा बजरंगबली ने दिला दिया है और आगे बाबा जी की धोख लगाएंगे और ऊर्जा उत्पन्न होगी। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। ये भाई यहाँ पे जूते वगैरह निकाल सकते हैं हम, और रेस्ट करना हो थक गया तो रेस्ट कर सकते हैं। चेयर वगैरह का प्रबंध किया हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ पे हम प्रसाद वगैरह ले सकते हैं बाबा जी को चढ़ाने के लिए। तो भाई दोस्तों प्रसाद ले लिया हमने, नहीं इनका और मेरा। चलिए धोख लगाते हैं उसके बाद मिलते हैं अंदर। भाई कैमरा अलाउ नहीं है तो जय श्री राम। भाई मॉर्निंग में आ गए हैं जल्दी, तो भीड़ नहीं हुई अभी, छीड़ है, लाइन पीछे से शुरू हो जाती है वैसे तो। और ये यहाँ से व्यू देखो भाई, बहुत ही शानदार नज़ारा। वो किसी ने रहा है प्रदीप का मेरा है। और ये है दोस्तों बालाजी का द्वार मंदिर है, जिसके अंदर हनुमान जी के हम रोक लगाए हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए बंद कर रहे हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों भाई बालाजी के दर्शन हो गए हमें, बहुत भाई इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत प्यारे बहुत शानदार बिल्कुल आराम से दर्शन हुए। और इसके जो इनका इतिहास है भाई, यहाँ धाम कैसे हुआ वो हमारे गुरु जी अब बताएंगे, और वीडियो में बने रहिए और आपको पूरा इतिहास सुनाएंगे गुरु जी की जुबानी। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो भगत जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो बताओ थोड़ा सा यहाँ मतलब क्या इतिहास है धाम का। यहाँ पर वीर हनुमान के नाम से 108 साधुओं ने तप किया था। ठीक है जी। ठीक है, हनुमान के नाम से तप करके मोहनदास जी ओगरनाथ जी तो चले गए उधर, एक मेहंदीपुर। ठीक है जी। एक फतेहगढ़ फतेहपुर सिकरी। दो चाटी धाम। मोहनदास जी यहाँ से वहाँ चले गए, और यहाँ पर ये मंदिर जब से प्राचीन मंदिर हुआ है, और बहुत मान्यता है मंदिर की, जो भी दुख दर्द संकट आ रही है वो संकट कटते हैं यहाँ पे। तो श्रद्धा से आता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो गुरुजी ये जैसे वहाँ जो महाराज जी थे वहाँ गए, किस वजह से गए, यहाँ पे कैसे क्या था इसकी थोड़ी? मोहनदास जी के बनोइया एक्सपायर हो गए थे, छोटे बच्चे थे, वो बच्चों की परवरिश के लिए गए थे वहाँ। नहीं तो हमने सुना है जी, जैसे पहले जो हनुमान जी की पूजा होती थी वो पर्दे में होती थी। जो नंग जी महाराज है थे यहाँ के, पर्दे में करते थे, तो वो बाहर गए तो अपने शिष्य को सौंप के गए थे, हमने सुना है ऐसा। तो उन्होंने पर्दा हटा दिया था, उसके बाद कोई मतलब बिजली गिरी थी, जैसे दो फाड़ हो गई थी जो जाटी धाम जब हुआ था उसका क्या? हाँ तो वैसे ही था, मोहनदास जी उसको चेले को समझा के गए थे, जब तक पर्दे में ही भोग लगाना है हनुमान जी का। अच्छा, अगर पर्दा हटा दिया तो पल्लो मच जाएगी। अच्छा, उसने पर्दा हटाया तो ऊपर से बिजली गिरी, बिजली से दो जाटी धाम बना। अच्छा जी, जो अपने सालासर से दो जाटी धाम आते हैं। हाँ। अच्छा, और वो शक्ति यहीं से गई हुई है। अच्छा अच्छा, मोहनदास जी जो यहाँ, हाँ, ओगड़नाथ जी मेहंदीपुर गए थे। ठीक है जी। वो शक्तिपीठ मंदिर बन गए उनके वहाँ पे, वो मेहंदीपुर गए थे ओगड़नाथ जी। हाँ ठीक है जी। और जैसे उन्होंने जो दो वो मांगे थे, जैसे दो कलवे
वो घटनाथ ने मांगे थे लोकल, हाँ कोतवाल और भैरू, वो जी वो कैसे क्या था? अरे वहाँ पे तप, फिर शंकर भगवान का तप किया उस ओगरनाथ ने, ठीक है जी। जब ये प्रेत राज नहीं माना, जब दो कच्चे कलुए मांगे थे ओगरनाथ ने प्रभु से, अच्छा वो दो कच्चे कलुए कोतवाल कप्तान और भैरू थे, अच्छा जी, उनको विराजमान किया प्रेत राज को विराजमान। प्रेत राज जो जी अपने मेहंदीपुर धाम जो प्रेत राज है जी धाम जो, हाँ मेहंदीपुर धाम, वो जबी से प्राचीन मंदिर हुआ है। अच्छा अच्छा, प्रेत राज उनकी मुट्ठी में आ गए, आने के बाद में वो संकट काटने लगे। तो ये जो सामोद ये चुमू है ये पहले से है? हाँ पहले से ही है। क्लब वीर हनुमान जी मंदिर के नाम से जो चुमू चुमू समोद में सामोद सामोद चुमू सामोद में स्थित है, और चुमू सामोद जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर है। और गुरुजी ने जैसे इतिहास बताया है हमें, और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहले भी पीछे वीडियो में बताया था, गुरुजी के द्वारा ही आया हूँ मैं, इनके साथ ही आया हूँ, तो मेरे को इतिहास जानना था। मैं तो गुरुजी बोले तेरे को वहीं चल के बताऊँगा, अब इतिहास ऐसे नहीं बताऊँगा। तो अभी गुरुजी ने बताया है, तो आपने भी सुना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीर बजरंगी का जय श्री राम का जयकारा लगाना। और गुरुजी कुछ और भी ऐसा कुछ है कि यहाँ पे सुना है आगे आपने, जैसे हमें रस्ते में एक भजन सुनाया था आपने ही, आपके द्वारा ही, थोड़ा सा वो सुना देंगे? क्योंकि उस टाइम मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। हाँ हाँ सुना देंगे, तो थोड़ा सुना दीजिए सर। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ सिया झूले, सिया झूले बागा में, बोले कोयल मोर, आइए रे मेरे हनुमत वीरा, मेरे काल जी की कोर। इस हनुमत की महिमा है न्यारी, रणभूमि की कर दी तैयारी, लंका के माँ बाजड़ पड़ गई, माच गया शोर, आइए रे मेरे हनुमत वीरा, मेरे काल जे की कोर। जय श्री राम, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल सीताराम भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। दोस्तों गुरुजी की जुबानी हमने इतिहास जाना इनका। और गुरुजी मैं एक चीज और पूछूंगा मैं आपको, आगे जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि आगे भी पहाड़ियाँ जाती है, वो कहाँ जाती है जी? वो सामने से जाती, इधर से पंचमुखी का मंदिर है आगे, फिर दोना बाबों का। अच्छा जी, पंचमुखी का मंदिर। हाँ पंचमुखी का उधर देखो रास्ता दिख रहा ना? हाँ जी, वो जा रहा है उधर, जा रहे हैं उधर, वो पहाड़ से आ जाएगा वहाँ। मैं कहूँगा नवीन थोड़ा उधर दिखाइए भाई, ये भाई ये जो पहाड़ी दिखा रहे हैं वहाँ पंचमुखी, पंचमुखी का मंदिर है, पंचमुखी का मंदिर है, एक दूना है बाबा और एक बाबा जी का दूना है। और ये इधर गुरुजी ये और बताओ, ये जो श्री वीर हनुमान ऋषि कुल वेद विद्यालय है ये वो है क्या जी? हाँ गुरुकुल जी। जैसे अपने यहाँ गुरुकुल करते उन्हीं का है, तो यहाँ शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है विद्यार्थियों को। तो भाई ये यहाँ जो हमारी संस्कृति के हिसाब से जैसे वहाँ अपने गुरुकुल होते हैं, वैसे यहाँ शिक्षा दी जाती है हमारी संस्कृति की, हमारे यहाँ जो वेदों की है पूरी पूर्ण शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पूछा था जैसे हॉस्टल वगैरह की सुविधा भी अच्छी दी हुई है, यहाँ विद्यार्थी आके पांचवी के बाद, जैसा कि मैंने पांचवी के बाद टेस्ट किया जाता है, टेस्ट लेने के बाद उनको यहाँ एंट्री दी जाती है कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हो या नहीं। और वहाँ पंचमुखी की साइड दोस्तों अगर वहाँ हम जा सके, कोई कारण है अगर ना जाने का, शायद आज अलाउ नहीं है कैमरा देखते पूछते, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको जरूर दिखाएंगे, पॉसिबल हुआ। अरे बोलो उधर कि वहाँ पंचमुखी में क्या मान्यता है, वहाँ तब भी होता है, महाराज जी ने बताया जैसे। और बाकी अभी देखते हैं, वहाँ हम गए तो ठीक है, नहीं गए तो अभी नीचे उतरेंगे। और ये अपने आपको वीडियो कैसी लगी बताना, अभी इस वीडियो का एंड अभी नहीं करेंगे, नीचे उतर के करेंगे। तब तक के लिए एक जयकारा लगा दो, जय सिया राम, जय सिया राम। चलिए नीचे चलते हैं अब। तो ये दोस्तों ये रूपवे है जो
बताया था मैंने, नीचे से दिखाया था यहाँ से है ये भाई ट्रॉली है ना, शुरू तो हुई थी लेकिन साल एक बाद बंद कर दी गई थी क्योंकि इनको परमिशन के बगैर लगाया गया था, परमिशन नहीं ली थी तो गवर्नमेंट ने इसको बंद करवा दिया था और अब भी पदयात्रा ही होती है, ये लगाई तो है तो ये बुजुर्गों के लिए ली थी। और ये भाई श्रद्धालु हैं, यहाँ पे भाइयों से पूछते हैं। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। कहाँ से हो आप? चोमू से। चोमू से, यहाँ लोकल ही हो मतलब है? चोमू शहर से ही हो, तहसील से? अच्छा, तो ये यहाँ की क्या मान्यता है जी? जब से हमने जन्म लिया है उससे काफी टाइम से बताते हैं लोग, बोले कि यहाँ के बहुत, यहाँ जो आता है उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है यहाँ से। निराश मान लो क्या इतिहास है यहाँ का, मतलब कैसे, मतलब यहाँ धाम बना, ये प्राचीन कितने साल पुराना है? हजारों साल। ये तो काफी हजारों साल पुराना है। और बाकी यहाँ सुना है कि अपने जो दीपावली से एक दिन छोटी दीपावली आती है, जो यहाँ मतलब ये पूरा पहाड़ है ना एक सोने का होता है, सोने का पहाड़। हाँ, एक बताते हैं भी एक क्षण के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए पूरा पहाड़ एक सोने का होता है, तो कुछ सेकंड के लिए जो छोटी दीवाली आती है। हाँ, उसी दिन। हाँ, ये काफी हमने सुना है और बाकी बताते हैं सब। हाँ, मैं भी गाँव मानपुरा माचड़ी। क्या नाम है? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी। आपका भी है? बुद्धि प्रकाश। चलो, मिलके अच्छा लगा आपसे। ठीक है, हमें बताया थोड़ा सा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी यहीं से चुमू से हैं। मैं भाइयों का धन्यवाद कहूँगा, इन्होंने हमें थोड़ा बताया क्योंकि जो लोकल बता सकते हैं वो शायद हमें गूगल में या कहीं और मिलेगा नहीं वीडियो में देखने के लिए, इसलिए हमने इनसे बात की। तो चलिए आगे चलते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते उतरते कुछ और भक्तों से मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और दोस्तों यहाँ पे भाई, यहाँ ना ये छोटे छोटे घर भी बनाते हैं, ये यहाँ की मान्यता है, प्रथा है कि भाई किसी को अपना घर बनाना है तो यहाँ बाबा जी के अरदास लगाता है कि भाई यहाँ घर बना के जाए, मेरा घर अच्छा और सुंदर बढ़िया बने। और यहाँ भगत जी बता रहे हैं मिस्टर प्रदीप को कि कैसे बनाना है। और इधर भाई शर्मा जी बैठे हैं हमारे, बाबा जी के दर्शन करने के बाद नीचे उतर रहे हैं हम। और ये देखो जहाँ जहाँ मोड़ आएगा वहीं वहीं है ना। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, छोटे छोटे घर बना के जाते हैं लोग। ये तो भाई यहाँ से नीचे उतरते उतरते वो भाइयों का हमने बात की, उसके बाद नीचे आए भाई। जाते हुए तो भगत जी नहीं थके थे, हम थक रहे थे चढ़ाई पे। अब भगत जी हमारी वेट कर रहे थे और यहाँ बैठ गए हैं, और साथ में शर्मा जी। भगत जी क्या हुआ, हमारी वेट कर रहे थे या थक गए? थक गए सर। नहीं जी, आप थक नहीं सकते भाई, हमसे ज़्यादा एनर्जी है भगत जी में, बहुत ऊर्जा है, और हमसे बिल्कुल आगे आगे हो रहे थे। और थोड़ा सा हम वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन हम तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे। मेहंदीपुर तो मैंने चढ़ाई की है तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए चढ़ाई नहीं की थी। चले भगत जी, ये धाम भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, जय सियाराम। जय सियाराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भाई दोस्तों यहाँ देखो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और बहुत ही शांतनुमा है, यहाँ पाओगे तो बहुत शांति मिलने वाली है आपको। तो चलिए चलते हैं आगे, नीचे उतरते रहेंगे, और चलिए चलते हैं, लेट्स गो। जय श्री राम। भाई साहब नीचे उतर के थोड़ा सा आराम से देख के उतरना पड़ रहा है क्योंकि कहीं भी लग सकती है। मिस्टर नवीन के तो चोट लगी ली है, उसको हाथ पकड़ के ले रहा है मिस्टर प्रदीप। दोनों जवान आ रहे, दो जवान है ये जो बुढ़ापे की तरफ जल्दी पहुंचने वाले हैं, लग नहीं रहा ये जवान है। शर्मा जी आप जवान कह के उनको वो कर रहे हो क्या? वो जवान है, रियल में जवान है। हम बुढ़ापे की साइड चल पड़े हैं। तो भाई साहब ये देखो नीचे का व्यू, और भाई श्रद्धालु आ रहे हैं, हमने दो लगा लिए, हम जा रहे हैं।
थोड़ी देर पहले हम भी ऐसे थके हुए थे, अब थोड़ा सा चैन मिला है। दोस्तों नीचे उतर गए हैं और हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, कर रहे हैं। जाते हुए आपको दिखाया था भंडारा लगा रहता है दाल बाटी चूरमा का, तो नवीन और लेने गया है। बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा जो भंडारा लगाया हुआ है यहाँ पे। और जय सिया राम, जयकारा लगाना भाई बाबा वीर बजरंग बली का, जय बजरंग बली, जय हनुमान। और शर्मा जी हमारे साथ हैं और गुरु जी भी आ रहे हैं बस। तो गाइस भाई प्रसाद भी ले लिया भंडारे का, दाल बाटी चूरमा काफ़ी बहुत मज़ा आया। प्रसाद तो भाई बहुत टेस्टी होता है, वैसे भी कहीं का भी ले लो, लेकिन दाल बाटी चूरमे का जो प्रसाद है बहुत ही बहुत स्वादिष्ट है। वहाँ ख़त्म ही हो गया, हम दोबारा लेने गए थे, दाल बाटी मिली, चूरमा ख़त्म हो गया, बोला थोड़ी देर रुक जाइए, तो आगे भी जाना है इसलिए लेट हो रहे थे। अभी जाते हैं रूम पे। और भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। हम नीचे उतारा है धर्मशाला से, सीधा देखते हैं बाबा श्याम जी के जाएंगे खाटू जी, या फिर सीधा हिसार जा रहे हैं, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, और ये गुरु जी जय श्री राम भाई, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ माता।